अध्याय छठो। छठा अध्याय मा देवी कौशिकी पासे थी पाछो फरेलो दूत शुंभ निशुंभ ने देवी नो संदेश आपे छे। ए सांभळी असुरराज शुंभ निशुंभ कुपित थई उठे छे। बलात्कारे देवी ने एमनी पासे घसड़ी लावा पोताना सेनापति धूम्रलोचन ने आदेश आपे छे। अपरिमित सेना लई धूम्रलोचन देवी पासे आवे छे। पहला तो शुंभ निशुंभ नु स्वामित्व स्वीकारवा देवी ने मान भरी विनवणी करे छे। देवी एनो स्वीकार करता नथी त्यारे धूम्रलोचन बळनो प्रयोग करवानी धमकी उच्चारे छे। छतां देवी नु अड़ग वलण जोई क्रोधे भराई धूम्रलोचन देवी सामे धसी जाय छे। देवी अग्नि ज्वाला नु स्वरूप लई हुंकार मात्र थी धूम्रलोचन ने भस्म करी दे छे। असुरो नु आखू सैन्य देवी पर तूटी पड़े छे। देवी नु वाहन सिंह असुर सेना ने खेदान मैदान करी मुके छे। आ वृत्तांतनी जाण थता शुंभ निशुंभ चंड ने मुंड ने विशाल सेना साथे देवी पासे मोकले छे। ओ नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तम सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चंद्रार्धचूड़ां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनिलयां पद्मावती चिंतये। ओ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्यः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुररार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलादुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गंधर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणां असुराणां द्रुतं ययौ सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुंभनिशुंभयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारं उपैष्यति ततो बलान्न याम्येष केशाकर्षण विह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच
इत्युक्तः सुव्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णै तथा शक्ति परश्वधैः ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापराम् आक्रान्त्या चाधरेणान्यां स जघान महासुरान् केषांचित् पातयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठाद् अन्येषां धुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सासमानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदीव संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः।